स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। बिहार के सियासी रण में अब चौथे दौर के मतदान की बारी है। प्रशासन रविवार को 7 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर होने वाली वोटिंग की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है, तो पांचवें दौर के लिए भी प्रचार में तेजी है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। चुनाव आयोग ने बीजेपी के 2 विवादित पोस्टरों के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी ही तमाम हलचलों के साथ हम आपको दिखाएंगे सूबे के बुनियादी मुद्दे भी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ, बीजेपी के 2 पोस्टरों पर आयोग ने प्रतिबंध लगाया। चुनाव खत्म होने तक नहीं छपेंगे विवादित विज्ञापन, महागठबंधन ने जताई थी आपत्ति। चौथे दौर की वोटिंग की तैयारियों में जुटा प्रशासन। 7 जिलों की 55 सीटों पर 1 नवंबर को मतदान। पांचवें दौर के लिए प्रचार में तेजी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बिहार में पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनने का दावा। कहा, महागठबंधन से नहीं है कांटे की टक्कर। देश के पहले राष्ट्रपति के गांव को विकास का इंतजार। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सीवान की जीरादेई का बड़ा चुनावी मुद्दा। चुनाव आयोग ने बिहार में बीजेपी के 2 विवादित विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। इन विज्ञापनों का प्रकाशन ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश भी दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार चुनाव के बाकी बचे 2 चरणों की चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक ये विज्ञापन नहीं छपने चाहिए। बीजेपी ने आरक्षण और वोट बैंक की राजनीति को लेकर पटना के प्रमुख हिंदी अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिस पर महागठबंधन ने एतराज जताया था। बिहार चुनाव में महागठबंधन और एनडीए नेता एक दूसरे की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। महागठबंधन ने बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। वहीं एनडीए ने महागठबंधन के नेताओं पर चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का इल्जाम लगाया। बिहार में अब तक चली जुबानी जंग अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। महागठबंधन के नेता शुक्रवार को चुनाव आयोग से मिले। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत की। महागठबंधन का आरोप है कि चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री अपनी जाति बताकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। वहीं अमित शाह के बयानों को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला करार दिया गया। जो चुनाव की बाकी प्रक्रिया है वो शांति पूर्वक तरीके से चल सके, अमित शाह की उपस्थिति वहाँ पर टेंशन क्रिएट कर रही है, इसलिए अमित शाह पर प्राथमिकी दर्ज हो, प्रधानमंत्री पर दर्ज हो, जिन्होंने इस तरह की इन्फिनिमेटरी जो दिए हैं वहाँ पे विज्ञापन। निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र चुनाव करवाने में जिस प्रकार से बाधाएं पैदा की जा रही हैं और संपूर्ण कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा नहीं की जा रही, उसके बारे में खेद प्रकट चुनाव आयोग को इस डेलीगेशन ने किया। उधर मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बीजेपी ने महागठबंधन नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल के साथ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के लिए नरभक्षी विक्षिप्त हो गया है, जैसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। कुछ दिनों पहले, अभी 2-3 दिन पहले, लालू प्रसाद जी यादव जी के परिवार के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री जी को गली का गुंडा शब्द कहना। दोनों खेमों के नेताओं ने आयोग को शिकायत को पुख्ता करने के लिए कुछ दस्तावेज भी सौंपे हैं। चुनाव आयोग शिकायतों पर गौर कर जल्द ही फैसला सुना सकता है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। रविंद्र सिंह शोरान हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। रविंद्र, आपसे तैयारियों के बारे में जायजा लेना चाहेंगे। कल चौथे दौर का मतदान है और हम जानते हैं 33% ऐसे लोग हैं जिन पर कोई ना कोई क्रिमिनल केस दर्ज है, और इस बीच चुनाव आयोग की तैयारियां कैसी और खासतौर से विज्ञापन को लेकर भी कड़ा रुख दिखाया है चुनाव आयोग ने। जी, बीजेपी के जो विज्ञापन थे उसको लेकर बहुत कड़ा रुख दिखाया है और उनको तुरंत बंद कर देने का निर्देश चुनाव आयोग ने दे दिया है, और इसको एक सेटबैक के रूप में बीजेपी का देखा जा रहा है, क्योंकि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है और लगातार ऊंचे आदर्शों के लिए जानी जाती रही है और उसी तरह का प्रचार प्रसार जो है बीजेपी यहां लगातार कर रही है,
और इसके अलावा जहां तक सुरक्षा के बंदोबस्त की बात है तो क्योंकि ये इलाका पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में चौथे दौर में चुनाव होना है, वो भारत नेपाल सीमा पर पड़ता है और नेपाल में जो मधेशी आंदोलन चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए सशस्त्र सीमा बल जो कि चौकसी करती है, निगरानी करती है इस सीमा की, उस पर विशेष दारोमदार इस बार है। उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, चौकसी बढ़ा दी गई है, पूरी सीमा को सील कर दिया गया है जब तक चुनाव ना हो। और वहां क्योंकि उग्र आंदोलन भी देखने को आया था इसलिए कोई सीमा पार से किसी तरह की गतिविधि ना हो इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा जो CAPF जो है उसको करीब 1,00,000 जवानों को यहां पे तैनात किया गया है चौथे दौर के मतदान के लिए। बड़ा अहम मतदान है, आपने जिक्र किया कि 30% बाहुबली या फिर कहें कि दागी उम्मीदवार भी इस चुनाव मैदान में है। धनबल के प्रयोग को रोकने की पूरी कोशिश आज शाम को की जाएगी क्योंकि अंतिम दिन माना जाता है कि धनबल और बाहुबल या लीकर बांटने की वजह से कुछ वोट्स को प्रभावित करने की कोशिश उम्मीदवार करते हैं। और उसके अलावा जो थोड़े से दुर्गम इलाके हैं वहां पे अब भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी तरह की और जो गतिविधियां हैं उसको रोकने, असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए तैयारी और जो लाइसेंसधारी और गैर जी रमीन उसी तरह की तैयारी होगी। एक चीज और समझना चाहेंगे, जो जिनके पास हथियार हैं उन हथियारों को भी जो है अभी जब्त कर लिया गया है, थाने में जमा कराने के लिए आदेश दे दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को निपटने के लिए कोई कमी प्रशासन की तरफ से ना रहे। बिल्कुल। इस बीच महागठबंधन और NDA, हमें ये था अमित शाह के बयान को लेकर महागठबंधन शिकायत करने वाला था लेकिन NDA ने भी मसला निकाल लिया है चुनाव आयोग से शिकायत करने का। जी देखिए, ये बड़ा एक अहम मुद्दा है क्योंकि इस चुनाव की जब से शुरुआत हुई है तो पहला जो हमने विवादास्पद बयान लालू प्रसाद यादव का सुना था जो कि उन्होंने तेरसिया में दिया था राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में, उनके खिलाफ एक FIR रजिस्टर हुआ गया था। उसके बाद 3-4 FIR जो है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान रजिस्टर हुए हैं। दूसरे जो बीजेपी के नेता हैं उनके खिलाफ भी इसी तरह के आरोप लग रहे हैं। अगर बीजेपी के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अब इन बयानों को लेकर चुनाव आयोग कड़ा रुख दिखाते हुए FIR लॉज करने का आदेश देता है जो कि मुख्तलिफ धाराओं के तहत इंडियन पिनल कोड के तहत या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत या अलग अलग धाराओं में अगर मुकदमे दर्ज करने का आदेश चुनाव आयोग की तरफ से जाता है तब दोनों नेताओं की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ सकती हैं। और यही कोशिश है महागठबंधन की कि जो बयान उन्होंने दिए हैं जिनको विवादास्पद माना जा रहा है उन बयानों को लेकर यहां पर चुनावी पारा बहुत गर्म करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अंतिम दौर में करीब करीब पहुंच गया है चुनाव। चौथे चरण के बाद जो 5वां चरण का मतदान है उसको ध्यान में रखते हुए लगातार कोशिश जो की जा रही है महागठबंधन की तरफ से वो उनके लिए बहुत अहम है। 5वां दौर को जब मतदान होने वाला है उसमें महागठबंधन का पोजीशन जो है इनके जो इंटरनल सर्वेज आए हैं उनके हिसाब से थोड़ी सी मजबूत मानी जा रही है और उसको ध्यान में रखते हुए अब इस मुद्दे को पूरा भुनाया जा रहा है। यहां पर मौसम जो है इस इलाके में, हम लोग मुजफ्फरपुर में हैं, अभी बहुत ठंडा हो गया है क्योंकि बर्फबारी हुई है पहाड़ी क्षेत्र में लेकिन चुनावी पारा होने की वजह से राजनीतिक मौसम यहां पे बहुत गर्माया हुआ है। कल प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, उन्होंने कई दस्तावेज दिखाए जिनमें नीतीश कुमार की जो कमियां थी या उनके उन भाषणों को दिखाया गया जिनके आधार पर वो सांप्रदायिक तौर पर या मजहबी तौर पर बात कर रहे हैं आरक्षण देने की, जो कि करीब 10 साल पुराने उनके भाषण थे संसद में दिए गए जब वो मंत्री हुआ करते थे NDA की सरकार में। और इस तरीके से चुनाव में जो रंग दिखने को मिल रहा है वो इस बार बिल्कुल अलग हो गया है, सांप्रदायिकता का रंग जो है वो भी घुल गया। बिल्कुल, आप बता रहे हैं किस तरह से पर कई बार जो है FIR भी देखने को मिली हमको, किस तरह से गोलबंदी की जा रही है ये अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। 5वें दौर का अब प्रचार चरम पर है, कल चौथे दौर का मतदान है और जिस तरह से आप बता रहे हैं समीकरण बिल्कुल अलग है 5वें दौर के, तो क्या हमें बिल्कुल अलग प्रचार भी नजर आ रहा है पिछले चारों दौर को छोड़कर 5वें दौर के लिए? देखिए प्रति, प्रचार में बहुत अंतर उस तरीके से नहीं दिख रहा है लेकिन क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से चरम पर जा रहा है और 3 चरण के मतदानों को पार्टियों ने देख लिया है इसलिए उनको अपना गुणागणित समझ आ गया है इंटरनल सर्वेज के हिसाब से कि कौन पार्टी कहां कमजोर है और कहां मजबूत है, तो उस रणनीति को ध्यान में रखते हुए चौथे और 5वें दौर के लिए उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी तैयार की है। तो जाहिर है पीछे से सबक लेंगे और आगे बढ़ने की जो कोशिश की जा रही है उसमें थोड़ी सी तल्खी आ गई है बयानों में और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ज्यादा देखने को मिल रही है लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं जो विकास और मूलभूत आवश्यकताओं के मुद्दे हैं वो बिल्कुल गौण हो गए हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर्स है उनमें उनका जिक्र नहीं है लेकिन जनता इस बात से बहुत नाराज है, वो लगातार यही कोशिश कर रही है कि
70 साल करीब हो गए हैं आजादी को, आज भी उन मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं जिनके लिए हिंदुस्तान को आजादी कराने के लिए सैकड़ों लोग शहीद हो गए थे। और विडंबना यही है कि इस बार चुनाव में मूल मुद्दे ही नहीं सुनाई दे रहे हैं, यही देखा जा रहा है। इस बार चुनाव में बिल्कुल अलग बिहार चुनाव हो गया है और इसीलिए लोग ज्यादा परेशान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवीन, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, पहले तीन चरणों के बाद अब चौथे चरण के लिए 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में 7 जिलों की 55 सीटें हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस चरण में सीटों, प्रत्याशियों और वोटरों की क्या स्थिति है और चुनाव आयोग ने क्या तैयारियां की हैं। पहले तीन दौर का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है, अब सबकी नजरें चौथे दौर के चुनाव पर हैं। चौथे दौर में कुल 7 जिले हैं जिनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान शामिल हैं। इस दौर में 55 विधानसभा सीट हैं जिनमें 7 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। चौथे दौर में पूर्वी चंपारण जिले में सबसे ज्यादा 12 सीटें हैं, मुजफ्फरपुर में 11, पश्चिमी चंपारण में 9, सीतामढ़ी और सीवान में 8-8, जबकि गोपालगंज में 6 और शिवहर में सबसे कम 1 विधानसभा सीट है। मतदाताओं की बात करें तो चौथे दौर में 1,47,39,120 लोगों को वोट डालने का अधिकार है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 78,76,265 है, जबकि महिला मतदाता 68,62,426 हैं। इस चरण में 429 अन्य श्रेणी के वोटर हैं। इस दौर में कुल 776 प्रत्याशी हैं, जिनमें 265 निर्दलीय उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। इस दौर में 57 महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। सबसे ज्यादा प्रत्याशी मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी सीट पर हैं, जबकि सबसे कम पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया सीट पर हैं। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो इस दौर में सबसे ज्यादा 53 उम्मीदवार BSP ने उतारे हैं, इसके बाद 42 सीटों पर BJP लड़ रही है, जबकि RJD 26 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है, तो JDU और CPI 21-21, CPM और NCP 9-9 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, जबकि कांग्रेस के 8 उम्मीदवार हैं और LJP और RLSP 5-5 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव आयोग ने चौथे दौर के लिए खास इंतजाम किए हैं। कुल 14,139 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 14,139 कंट्रोल यूनिट लगाई गई हैं, जबकि 18,289 मतदान इकाइयां तैनात की गई हैं। पोलिंग बूथों की सुरक्षा का पूरा जिम्मा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पास है, जबकि राज्य पुलिस और होमगार्ड की जिम्मेदारी वोटिंग लाइनों की व्यवस्था और पेट्रोलिंग की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। चौथे दौर के लिए शुक्रवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। इसके साथ ही घर घर जाकर वोट मांगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आखिरी वक्त तक हर दल के बड़े नेताओं ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाए रखा। सात जिलों की 55 सीटों के लिए चौथे दौर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शुक्रवार शाम 5 बजे प्रचार थमने के बाद घर घर वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो गया। आखिरी दिन NDA की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने पश्चिमी चंपारण के बेतिया, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान में चुनावी सभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई तो वहीं महागठबंधन के नेताओं को आड़े हाथों लिया। BJP अध्यक्ष अमित शाह भी चुनावी मैदान में ताल ठोकते दिखे। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, BJP सांसद हेमा मालिनी के साथ साथ बिहार के कई स्थानीय नेता वोट मांगने उतरे। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने चौथे दौर के लिए कई रैलियां की। राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की योजनाएं रहीं। उन्होंने BJP पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया और महागठबंधन की जीत का दावा किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रैलियों की रीले करते दिखे। पिछले कई दिनों में उन्होंने तकरीबन चौथे दौर की हर विधानसभा सीट पर जनसभा की है।
महागठबंधन के तीसरे साथी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी चौथे दौर के प्रचार में जुटे रहे। वो अपने पुराने अंदाज में जनता से मुखातिब हुए। अब इस इलाके की जनता को इंतजार है 1 नवंबर का, जब चौथे दौर के लिए वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के प्रचार में दिन रात एक कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने 7 चुनावी सभाएं की। नीतीश कुमार ने 5वें दौर के लिए मधुबनी, सुपौल और मधेपुरा में रैलियां की, जहां एक बार फिर केंद्र सरकार और एनडीए की आलोचना की। बिहार में चुनाव के केवल 2 चरण बाकी हैं। ऐसे में हर दल जनता तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर से जन जन तक पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं। शुक्रवार को नीतीश कुमार मधुबनी के बिस्फी, बेनीपट्टी, बाबूबढ़ी और लोकाहा में थे। उन्होंने सुपौल के निर्मली और त्रिवेणीगंज में भी रैलियों को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने एनडीए की आलोचना की और नेताओं पर तंज कसे। जमीन फिसल गई है, पहला दूसरा तीसरा चरण में हवा निकल गई है, इसलिए और बौखलाहट में है। अब बौखलाहट नहीं है तो क्या कीजिए। नीतीश दिन भर में 6 रैलियां करने के बाद आखिर में मधेपुरा पहुंचे। मधेपुरा के सिंहेश्वर में भी वो केंद्र की आलोचना करना नहीं भूले। उन्होंने लोगों को अपने कार्यकाल के कामकाज की भी याद दिलाई। इन तीनों जिलों में 5वें दौर में मतदान होना है। सभी चरणों के वोटों की गिनती 8 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 3 दौर का चुनाव संपन्न हो चुका है, अब बारी 4थे दौर की है। हर दल जीत का दावा कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता शिशिर चौबे ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की। राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। राजनाथ जी, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा कि क्या उम्मीद कर रहे हैं आप 3 चरण के मतदान देखने के बाद? 3 चरणों के जो मतदान हुए हैं उससे स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए को स्पष्ट बहुमत इस बिहार विधानसभा चुनाव में हासिल होने जा रहा है। जिन लोगों ने लंबे समय तक यहां सरकारें चलाई हैं, उन्हीं लोग सारी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर अपना एक महागठबंधन यहां पर तैयार कर रखा है। बिहार की जनता ये महसूस करती है कि लंबे समय तक इस बिहार में सरकार चलाने के बावजूद इन लोगों ने न तो बिहार की गरीबी की समस्या का समाधान किया, न बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया, बल्कि आज भी हमारा बिहार हिंदुस्तान के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों की कतार में खड़ा है। लेकिन सर, आपने कहा अभी कि जो सरकारें रही अब तक बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। ड्राइविंग सीट पे आप चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय बीजेपी में, ड्राइविंग सीट पे आप लोगों ने ही नीतीश कुमार को बैठाया जो 9 साल बिहार में चला है। क्यों बैठाया? 2005 में ही बैठाया। जनता दल यू हमसे छोटी पार्टी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति यदि करती है तो केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो समाज बनाने के लिए, देश बनाने के लिए। हम चाहते थे उस समय कि बिहार को एक अस्थायी सरकार मिलनी चाहिए जो बिहार का विकास कर सके, और इस सच्चाई को भी हम समझते थे कि भले ही हम बड़ी पार्टी हों, यदि हम सरकार बनाएंगे तो जो हमको समर्थन देगा वो सरकार को चलने नहीं देगा, अस्थायी सरकार बिहार को नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि हम भले ही कोई छोटी पार्टी हो, हम उसको समर्थन देने तो कम से कम ईमानदारी से हम समर्थन तो देते रहेंगे। पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा वो इस सोच के आधार पर कहा है कि जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, भारत ने बराबर अपनी तरफ से कोशिश की है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, उसके साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों। लेकिन पाकिस्तान का रुख जैसा सकारात्मक होना चाहिए वह नहीं रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। तो शायद इस सोच के आधार पर उन्होंने कहा होगा कि भारत में यदि मजबूत सरकार यदि रहेगी तो शायद ये पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा होगा, शायद इस सोच के आधार पर उन्होंने कुछ कहा होगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गोपालगंज में बिजली की किल्लत से क्या परेशानी हो रही है। दुनिया का हाल, राजनीति की चाल, बिजनेस की रफ्तार,
खेल का धमाल। दिन की शुरुआत खबरों के साथ देखिए हर रोज सुबह 9 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सीवान जिले का जीरादेई गांव देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है, लेकिन आजादी के 68 साल बाद भी ये गांव विकास के लिए तरस रहा है। गांव के लोगों का मानना है कि जितना बड़ा नेता जीरादेई ने देश को दिया, उसके मुकाबले सरकार गांव को अभी तक वो सम्मान नहीं दे पाई। ये है देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुश्तैनी घर। सीवान के जीरादेई गांव के इसी घर में उनका जन्म हुआ। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो इसी घर में रहा करते थे। अब बेहतर रखरखाव के लिए इसे भारतीय पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया है। गांव के लोग भी ये बताते हुए गर्व महसूस करते हैं कि वो जीरादेई के रहने वाले हैं। बहुत गौरव की बात है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल पर मेरा भी जन्म हुआ है और मुझे खुशी होती है। महाराज के राजनेताओं को इनके आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात नहीं करते, बड़ी दुख की बात है। लेकिन पहले राष्ट्रपति का जन्म स्थान होने के बावजूद ये गांव अब भी विकास से महरूम है। करीब 10,000 आबादी वाले इस गाँव में सड़कें खस्ताहाल हैं तो बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बेहद खराब है। लोगों का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने जीरादेई की उपेक्षा की है। यह राजेंद्र बाबू का इलाका आज भी, क्षमा करेंगे, अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जन प्रतिनिधियों और सरकारों की उपेक्षा के बावजूद गांव के लोग मायूस नहीं और उन्हें नई सरकार से बेहतरी की उम्मीद है। जितनी बड़ी महान विभूति को इस गाँव ने पैदा किया, सरकारें इस गाँव को उसके बदले में कुछ नहीं दे पाई, लेकिन इस बार इनको उम्मीद है कि जो नई सरकार आएगी वो शायद इनकी मूलभूत आवश्यकताएं को पूरी कर सके और इस गांव के खोए हुए गौरव को वापस दिला सके। गांव जीरादेई, जिला सीवान से कैमरामैन प्रेम के साथ रविंद्र सिंह शोरण, राज्यसभा टीवी। बिहार के गोपालगंज जिले में बिजली की किल्लत को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। इसकी बड़ी वजह गोपालगंज की चीनी मिलों में गन्ने की खोई से बिजली का उत्पादन न होना है। चीनी मिलों का रवैया और सरकार की बेरुखी इस बार गोपालगंज में बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। बिहार का गोपालगंज जिला गन्ने की भरपूर पैदावार के चलते गन्नांचल के नाम से जाना जाता है। गन्ने की खोई से बिजली उत्पादन भी होता है, लेकिन विडंबना यह है कि गोपालगंज की तीनों चीनी मिलों में पेराई तो हो रही है, लेकिन बिजली उत्पादन सिर्फ सिधवालिया चीनी मिल कर रही है। ऐसे में गोपालगंज के लोग इससे बनने वाली बिजली से महरूम हैं। चौथे चरण में होने वाले चुनाव में ये अब बड़ा मुद्दा बन गया है। किसान चीनी मिल को अपना गन्ना देता है और ये जो है बिजली उत्पादन करके और मोतिहारी बेतिया अन्य जगह भेजते हैं, लेकिन गोपालगंज जिला अंधेरा रहता है। इसी मुद्दे पर किसान अपने सवालों का जवाब इन नेताओं से मांगेंगे कि मेरे हक को मारने का अधिकार किसने दे दिया मिल मालिकों को। लेकिन चीनी मिल प्रबंधन गोपालगंज की तीनों चीनी मिलों के लिए आर्थिक सहायता की बात कह रहा है। सरकार इंसेंटिव पॉलिसी तो ला रखी है, और मेरा तो ये कहना है कि और चीनी मिलें भी अगर इसमें प्रयास करें तो बिजली पर्याप्त मात्रा में बिहार सरकार को मिल सकती है। उधर बिजली विभाग का कहना है कि अगर चीनी मिलें अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें तो गोपालगंज के साथ बिहार का भी अंधेरा दूर हो सकता है। अगर इसी तरह से और सब चीनी मिल में प्रोडक्शन होने लगे तो बाहर से हम लोगों को बिजली लेने का नौबत नहीं आएगा। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार की 11 चीनी मिलों में से 9 बिजली उत्पादन कर रही हैं, जिससे 50 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। लेकिन किसानों को गन्ने के बकाये के साथ साथ बिजली का भी लंबे समय से इंतजार है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया था कि जिस इलाके की चीनी मिल में बिजली बनेगी वहां उसे सस्ते दर पर उसे मुहैया कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सहरसा की मत्स्यगंधा झील अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही है। करीब 2 दशक पहले 1996 में करोड़ों की लागत से बनी इस झील में अब बस खरपतवार ही नजर आती है। झील की बर्बादी के लिए स्थानीय लोग प्रशासन की उपेक्षा को जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन झील में कचरा डालते वक्त स्थानीय लोगों अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं होता।
मत्स्यगंधा की बदहाली इस बार चुनावी मुद्दा है। चारों ओर दूर तक फैले इस खरपतवार को देखकर शायद ही लगे कि यह सहरसा की मत्स्यगंधा झील है। वही मत्स्यगंधा जहां कभी लोग सुबह की सैर के लिए आते थे। झील में नावें चलती थीं, लोगों की जमघट से ये झील गुलजार रहा करती थी। लेकिन 1996 में करोड़ों की लागत से बनी मत्स्यगंधा बेनूर हो गई है। ना तो अब लोग यहाँ आते हैं और ना ही झील में नौकायन होता है। इसकी रौनक अब तो बस एक याद बनकर रह गई है। घूमने के लिए आए थे, सोचे यहाँ मत्स्यगंधा बहुत अच्छा जगह है घूमने वाला। यहाँ आने के बाद तो देख रहे हैं कुछ भी घूमने वाला नहीं है, तो पूरा खंडहर बन गया है। झील की बर्बादी के लिए लोग प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। शासन प्रशासन सरकार जितने भी आए, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, सब ने सहरसा के लोगों को ठगा है। हालांकि मत्स्यगंधा की बदहाली के लिए यहाँ के लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। झील में कचरा फेंकते वक्त इस शख्स की ये तस्वीर इस बात को बखूबी बयां करती है। झील की उपेक्षा के लिए जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसके लिए दोषी हम लोग हैं, जो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, शहर कैसे विकास करे, कैसे आंध्रा से मछली नहीं है, हम यहाँ पे उसका उत्पादन करें। इस बार सहरसा में मत्स्यगंधा झील की बदहाली भी एक बड़ा मुद्दा है। क्षेत्रवासी चाहते हैं कि इसकी रौनक भरे दिन फिर से लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।